गुड। चलिए आज हम इंशाल्लाह कल्चर का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इट्स एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर, इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। पेपर में चेंज और कल्चर दोनों अक्सर स्वैपिंग रोल्स प्ले करते हैं। पार्ट बी में से थर्ड चैप्टर मस्ट होता है पेपर में। इट डज हैपन कि सम टाइम्स एग्जामिनर फोर्थ चैप्टर को डोमिनेट करवा देता है पेपर में, और बार दफ़ा एग्जामिनर फिफ्थ चैप्टर से क्वेश्चन पूछ लेता है। हाँ निशा, क्लास हम नॉर्मली 140-145, मतलब क्योंकि मैं अभी फ्री हो चुका होता हूँ, सबाइक से वेट कर रहा होता हूँ क्लास का, तो वी लाइक स्टार्ट एट 140। आई एम ऑन ऑनलाइन सिंस 120-125, लेकिन ये कि पहले 5-7 मिनट हम थोड़ी सी डिबेट कर लेते होते हैं प्रीवियस टॉपिक के ऊपर, या अगर किसी के कोई क्वेरी हो, क्योंकि नॉर्मली फिर स्टूडेंट्स आने शुरू हो जाते हैं। आई गेस स्टूडेंट्स की भी क्लास आई बिलीव 115 या 130 पे ओवर होती है। देर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स जो कि 145 पे फ्री होते हैं, आई गेस टेक्स की क्लास से, और आई मेक श्योर कि हम जो काम की बात है वो 145 से ही ऑनवर्ड स्टार्ट करें। सो एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग चेंज मैनेजमेंट, चेंज के हवाले से कोई कंसर्न, कोई क्वेरी, एनी प्रॉब्लम? ओके गुड। मिड टर्म भी आ रहे हैं अगले हफ्ते से, तो दिस वीक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टार्ट योर रिवीजन्स प्लान कर लें, ताकि 11th आवर पे बिल्कुल पेपर जब सर पे हो तो आप बहुत ज़्यादा लोडेड ना हो और ओवरबर्डन ना हो। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टाइम टू प्लान योर रिवीजन्स, क्योंकि जितनी रिवीजन्स आपकी अच्छी होंगी पेपर में उतना आपको फाइनल्स में हेल्प मिल जाएगी। एटलीस्ट ये मिड टर्म का पर्पज़ ये होता है कि आपको फाइनल टर्म से पहले पहले कम अज़ कम 50-55% सब्जेक्ट एक दफ़ा रिवाइज करवा के लेते हैं। Let's wait for a few minutes, then we'll start. ओके जी, सो कल्चर, लेट्स फर्स्ट डिफाइन कल्चर। कल्चर की डेफिनेशंस 2-3 दफ़ा पेपर में पूछी जा चुकी है। कल्चर को हम डिफाइन करते हैं, दिस इज़ हाउ वी डिफाइन कल्चर, ये सेकंड लाइन में डेफिनेशन लिखी हुई है। कल्चर एक सेट होता है डोमिनेंट बिलीव्स का, एटीट्यूड्स का। बिलीफ कहते हैं अकीदों को, अकायद को। एटीट्यूड्स कहते हैं रवैयों को। वैल्यूज़ कहते हैं इकदार को, कदरों को। नॉर्म्स कहते हैं तौर तरीकों को। तो देर आर डिफरेंट वेज इन विच वी डिफाइन कल्चर। ठीक है, कल्चर इज अ डोमिनेंट सेट ऑफ बिलीफ, एटीट्यूड्स, नॉर्म्स, वैल्यूज, रिचुअल्स विच आर शेयर्ड बाय अ कॉमन नंबर ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ पीपल। ये ग्रुप ऑफ पीपल एक मुल्क के भी हो सकते हैं, ये ग्रुप ऑफ पीपल जो हैं ये एक इदारे के भी हो सकते हैं, ये लोग जो हैं ये एक प्रोविंस के भी हो सकते हैं। कल्चर किसी भी लेवल पे एग्जिस्ट कर सकते हैं। इवन एक वर्क ग्रुप का भी अपना कल्चर होता है, इस ऑनलाइन क्लास का भी एक अपना कल्चर है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी इसके कल्चर का एलिमेंट है, स्टूडेंट ऑटोनॉमी इसके कल्चर में पाई जाती है,
एवरी कल्चर हैज इट्स यूनिक सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जिसकी बेस के ऊपर हम डिटरमिन करते हैं कि ये कल्चर कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है, ये कल्चर कितना फ्लेक्सिबल है या कितना रिजिड है. कल्चर की स्ट्रेंथ और वीकनेस डिटरमिन करती है ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस को. नॉर्मली स्ट्रांग कल्चर जिन इदारों में पाया जाता है वो ज़्यादा कामयाब होते हैं. एडगर्स काइन एक बड़ा मशहूर नाम है कल्चर की दुनिया में. एडगर्स काइन हैज़ रिटन अ लॉट ऑन कल्चर. एडगर्स काइन कहते हैं कि एम्प्लॉयज़ जो हैं जो किसी इदारे में ऑपरेट कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, वो शेयर करते हैं वैल्यू सिस्टम्स को, बिलीफ सिस्टम्स को और वेज ऑफ थिंकिंग को. एंड दीज वैल्यू सिस्टम्स, बिलीफ सिस्टम, दीज वेज ऑफ थिंकिंग, देन व्हेन दे इंटरेक्ट विद द फर्म्स पॉलिसी प्रोसीजर, तो ये बन जाता है फिर कॉरपोरेट कल्चर. फॉर एग्जाम्पल, एक इदारे की शेयर्ड वैल्यू है कि कस्टमर इज़ द किंग, कस्टमर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंटिटी, ठीक है जी. और उसके अलावा अब वो जो इदारा है वो डिटरमिन करता है कि इस बिलीफ की बेस पे वो एक पॉलिसी बनाता है जिसमें वो कहते हैं कि हमने कस्टमर को प्रोडक्ट रिफंड कर देना है व्हेनेवर कस्टमर डिज़ायर्स हमसे पैसे वापस दे देंगे. दैट पॉलिसी इज एन आउटकम ऑफ योर बिलीफ, ठीक है. तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जब आपका इंटरेक्ट करता है कंपनी पॉलिसीज के साथ, कंपनी प्रोसीजर्स के साथ, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है, तो ये इसको हम कहते हैं कॉरपोरेट कल्चर. कल्चर एक इदारे के एम्प्लॉयज की एक्सपेक्टेशंस को भी डिफाइन करता है. व्हाट डू एम्प्लॉय एक्सपेक्ट फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ डू एम्प्लॉयज रिएक्ट टू अ पर्टिकुलर चेंज इन एन ऑर्गेनाइजेशन. इसी सो बेसिकली तीन लेवल्स पे हम कल्चर को डिफाइन करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, कॉर्पोरेट कल्चर एंड वर्क ग्रुप कल्चर. हाँ ओके, लेट मी क्लियर दिस डिफरेंस. एनवायरमेंट इज एनी एंटिटी फॉलिंग बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड कल्चर इज द वे वी डील विद दैट एंटिटी. कस्टमर आपके एनवायरमेंट का हिस्सा है. नो एंट्री एनवायरमेंट कॉन्ट्रीब्यूट टू कल्चर. यस डेफिनेटली कल्चर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट एनवायरमेंट, लेकिन ज्यादातर केसेज में एनवायरमेंट कॉन्ट्रीब्यूट करता है कल्चर के अंदर. द की डिफरेंस इज कि एनवायरमेंट इज समथिंग दैट इज बियॉन्ड द ऑर्गेनाइजेशन. जैसे कस्टमर्स, सप्लायर्स एंड कंपेटिटर्स, ये आपके एनवायरमेंट है. फाइव फोर्सेज मॉडल पढ़ा हमने, पेस्टल पढ़ा हमने, वो एनवायरमेंट है. आपका कल्चर जो है ये अब वो तरीके हैं जिससे आप इंटरेक्ट करेंगे एनवायरमेंट के साथ. कस्टमर सर्विसेज को सुपीरियर रखना, ये मेरा शेयर्ड बिलीफ है मेरे इदारे में, दैट इज माई कल्चर, दैट इज माई कल्चर, ओके. या एम्प्लॉयज को इम्पोर्टेंस देना, ये मेरा कल्चर है. या फॉर एग्जाम्पल फेयर बिजनेस कॉम्पिटिशन को इनक्रेज करना, ये मेरा कल्चर है. एनवायरमेंट से कल्चर ड्राइव होता है एट टाइम्स, नॉट ऑलवेज, एट टाइम्स एनवायरमेंट ड्राइव्स कल्चर. तो ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरमेंट जो है ये डिटरमिन करती है कल्चरल आउटकम्स को. ओके, एडगर्स काइन कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जब स्ट्रांग होता है तो इट लीड्स टुवर्ड ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस. इदारों की सक्सेस को इंश्योर करते हैं. अगेन डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, दोबारा डेफिनेशन आ रही है. सेट ऑफ अजम्पशंस दैट अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर हैव इन्वेंटेड, डिस्कवर्ड और विल डिस्कवर कि वो कैसे एक प्रॉब्लम को डील करते हैं. देखिए ये कल्चर जो है ना, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है एवोल्यूशन का. कल्चर कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रहा होता है इदारे के अंदर. वी आर इन टू अ प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन में हम एग्जिस्ट कर रहे होते हैं. हम कुछ assumptions क्रिएट कर देते हैं और हम उन assumptions को फिर वैलिड समझना शुरू कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल वॉलमार्ट, वॉलमार्ट एक बड़ा मशहूर इदारा है लार्ज स्केल रिटेलिंग में. वॉलमार्ट जो है ये सैम वॉल्टन का इदारा है. सैम वॉल्टन ने वॉलमार्ट की बुनियाद रखी थी 1962 में. अच्छा, सैम वॉल्टन ने वॉलमार्ट को डेवलप करने से पहले, सैम वॉल्टन यूज टू वर्क इन रिटेल स्टोर. तो वहाँ जो उसका मालिक था ना रिटेल आउटलेट का, वो बड़ा एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करता था अपने एम्प्लॉयज़ के साथ.
तो इवन दो सैम वॉल्टन यूज टू वर्क वेरी हार्ड बट ही वॉज ऑलवेज अब्यूज्ड। तो सैम वॉल्टन बड़ा दिल बर्दाश्ता होता था, बड़ा डिस्टर्ब होता था और सोचता था कि अगर कभी मैं अपना रिटेल आउटलेट ओपन करूँगा तो मैं अपने एम्प्लॉयज को रिस्पेक्ट दूंगा, आई विल गिव रिस्पेक्ट टू माई एम्प्लॉयज, ठीक है, आई विल गिव रिस्पेक्ट टू माई एम्प्लॉयज। नाउ जब उसने वॉलमार्ट की बुनियाद रखी तो उसने फिर ये एक एजम्पशन, एक बिलीफ इनिशिएट किया कि एम्प्लॉयज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंटिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और ये कल्चर आज भी पाया जाता है वॉलमार्ट के अंदर कि दे गिव रिस्पेक्ट टू देयर एम्प्लॉयज अलॉट, वो एम्प्लॉयज को बहुत इज्जत देते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। इनफैक्ट मेरा ख्याल उनकी जो मिशन स्टेटमेंट है उसके अंदर भी वो एम्प्लॉयज जो हैं उनको बड़ी एक इम्पॉर्टेंट, हाँ, और जैसे पैक का जो कल्चर है स्टूडेंट फोकस्ड कल्चर है, एग्जैक्टली पैक का जो कल्चर है ये स्टूडेंट ओरिएंटेड कल्चर है। पैक स्टूडेंट को बड़ा इंपॉर्टेंस देता है, स्टूडेंट फीडबैक, स्टूडेंट कंसर्न, ठीक है। अब क्योंकि अगेन कस्टमर फोकस्ड कल्चर है, कल्चर जो है वो डिफरेंट, उसका फोकस जो है वो वेरी करता है। तो पैक का जो कल्चर है दैट इज वेरी यू नो ओपन कल्चर, वेरी वेरी कस्टमर फोकस्ड कल्चर, ठीक है। इसके अंदर वो अपनी जो ओवरऑल कस्टमर्स जो हैं उनको कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं, स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट करना। अब ये जो एक्नॉलेजमेंट्स जो देते हैं स्टूडेंट्स को इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ एप्रिसिएशन, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपके कल्चर को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। जैसे रिजल्ट आता है स्टूडेंट्स के बड़े बड़े बैनर्स लग जाते हैं, ये भी उसके कल्चर का पार्ट है। कल्चर को डिफाइन करने के डिफरेंट तरीके होते हैं, आगे जाके देखेंगे। कल्चर हम समझते हैं आर्टिफैक्ट्स के थ्रू, कल्चर हम समझते हैं एक इदारे के सिंबल के थ्रू, एक कंपनी का लोगो, उसका मोनोग्राम, ये भी कल्चर का पार्ट होता है, ये भी सिंबल जो है उसके कल्चर का हिस्सा होते हैं, द मोनोग्राम एंड द लोगो, ये भी कल्चर का पार्ट होता है। तो एडगर्स काइन कहते हैं कि जब कल्चर स्ट्रांग होता है तो इदारे कामयाब होते हैं, और कल्चर जो है ये डिटरमिन करता है दैट हाउ डू वी डू थिंग्स अराउंड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। और कल्चर हम सिखाते हैं लोगों को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सोशलाइजेशन, वी कॉल दिस प्रोसेस सोशलाइजेशन व्हेन पीपल आर मेड टू लर्न ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, दिस इज नोन एज सोशलाइजेशन। हम ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एम्प्लॉयज को कल्चर सिखाते हैं, इसे हम सोशलाइजेशन कहते हैं। तो कल्चर को हम तीन लेवल्स पे डिफाइन करते हैं, वी डिफाइन कल्चर एट थ्री लेवल्स। पहला लेवल है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ये भी हमने ऊपर डिफाइन किया, सेट ऑफ बिलीफ्स वैल्यूज एटीट्यूड्स जो एक इदारे में सारे लोग शेयर करते हैं, द वे पीपल डू थिंग्स। पीटर एंड वाटरमैन कहते हैं कि मोस्ट एक्सीलेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर द वन हैविंग पर्टिकुलर कल्चरल एटीट्यूड एंड बिलीफ, स्ट्रॉन्ग कल्चर होता है। कॉर्पोरेट कल्चर हमने डिफाइन किया कि जब आपका ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इंटरेक्ट करता है आपकी पॉलिसीज के साथ, प्रोसीजर्स के साथ, तो आपका कॉर्पोरेट कल्चर बन जाता है, द वे वी मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन, हम इदारे को मैनेज कैसे करते हैं, ठीक है ना। आपकी सेट ऑफ वैल्यूज और वो जो 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 एम्प्लॉयज शेयर करते हैं अक्सर, वैसे ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को कॉर्पोरेट कल्चर के साथ हम ऑल्टरनेटिवली यूज कर लेते हैं इस टर्म को, बट कॉर्पोरेट कल्चर इज मोर अबाउट मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इज मोर अबाउट द कॉमन बिलीफ, द नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है ना। वर्क ग्रुप कल्चर जो होता है दैट इज द कल्चर वेयर देयर, मतलब ईच वर्क ग्रुप हैज अ डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, हर वर्क ग्रुप जो है उनका अपना अपना, इवन एक इदारे के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के डिफरेंट कल्चर्स होते हैं ना, सिंगल ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैव डिफरेंट कल्चर्स। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का अपना कल्चर होगा, सेल्स डिपार्टमेंट का अपना कल्चर होगा, एचआर डिपार्टमेंट का अपना कल्चर होगा, इन्हें हम सब कल्चर्स कहते हैं। वर्क ग्रुप कल्चर जो है सब कल्चर भी कहलाते हैं। सब कल्चर्स आर ऑल्सो डिस्टिंक्ट, सब कल्चर्स आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, और फिर सारे सब कल्चर्स को हम मैश करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो आपका एक कॉर्पोरेट कल्चर बन जाता है। अगर आपने किसी भी इदारे के कल्चर को समझना है तो द बेस्ट वे इज टू इंटरैक्ट विद दैट ऑर्गेनाइजेशन। जस्ट थिंक ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन यू आर फेमिलियर विद एंड सोचें कि उस ऑर्गेनाइजेशन में प्रायोरिटीज क्या हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग कैसे बिहेव करते हैं एक दूसरे के साथ, और फिर उसी इंडस्ट्री के अंदर किसी और इदारे के बारे में सोचें तो यू वुड रियलाइज कि कितना कल्चरल डिफरेंस है। आप लोग बैंक्स में जाते होंगे, बैंक्स विजिट करते होंगे अपने अपने इलाकों में, कभी अगर आपको किसी
मल्टीनेशनल कमर्शियल बैंक में जाने का इत्तेफाक हुआ है, फॉर एग्जांपल यू विजिटेड स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और फैसल बैंक सम टाइम। तो जैसे ही आप किसी मल्टीनेशनल कमर्शियल बैंक में जाते हैं लाइक स्टैंडर्ड चार्टर्ड और फैसल बैंक, तो एंटर होते ही आपको वो सर्टन फील आती है कि जी बड़ा कस्टमर ओरिएंटेड माहौल है, वेल ड्रेस्ड लोग, सूटेड बूटेड लोग इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, किसी चेहरे पे स्माइल होती है, बड़ा अच्छा एम्बियंस होता है, एंड यू फील प्रिविलेज्ड, यू फील लाइक दैट यू आर एक्चुअली बीइंग ट्रीटेड वेल। इसी के बरक्स अगर आप कभी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में दाखिल हो जाएं या अलाइड बैंक ऑफ पाकिस्तान में चले जाएं, तो वो एक अलग माहौल मिलेगा आपको। फाइलों के पलंदे लगे हुए हैं, अटायर लोगों का, फिजिकल अपेयरेंस जो है वो इतनी अपीलिंग नहीं है, फिर पीपल आर नॉट वेरी रिस्पॉन्सिव, लोग को इतने अपना रिस्पॉन्सिव नहीं है, बस लगेगा कि कोई आपकी क्वेरी को देख नहीं रहा, समझ नहीं रहा। तो ये कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं। आप जब फर्म में जाएंगे इंशाल्लाह, हर फर्म का अपना कल्चर होता है, एवरी फर्म हैज अ डिफरेंट कल्चर, एंड दैट कल्चर इज रिफ्लेक्टेड इन हाउ द वे दे ऑपरेट, वो ऑपरेट कैसे करते हैं उसमें रिफ्लेक्ट करता है उनका कल्चर। ठीक है, हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कल्चर में और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में फर्क होता है। वी डिस्कस्ड कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है ये उन लोगों पे डिपेंड करता है जो वर्क प्लेस पे इंटरेक्ट करते हैं, द पीपल हु कम टुगेदर एंड इंटरेक्ट एट द वर्क प्लेस, और आपस में वो फिर एक इनफॉर्मल स्ट्रक्चर बना लेते हैं कम्युनिकेशन का। कल्चर इसके बरक्स डीपली एम्बेडेड होता है। कल्चर एम्बेड से मुराद है एनग्रेव्ड होना, मतलब उसके अंदर रूट्स बड़ी इसकी डीप होती हैं, और कल्चर जो है दैट इज शेयर्ड बाय एवरीवन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक इदारे के अंदर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस मुख्तलिफ होंगी, डिफरेंट होंगी, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल वुड बी देयर, लेकिन इदारे का जो ब्रॉडर कल्चर है वो एक ही होगा। यस, देर माइट भी डिफरेंट सब कल्चर, देर माइट भी वर्क ग्रुप कल्चर, लेकिन कल्चर जो जो ब्रॉडर कल्चर है वो एक होगा जो हर कोई शेयर करेगा। इनफैक्ट जब कोई नए लोग इदारे में आते हैं तो उन्हें हम कल्चर सिखाते हैं, वी मेक देम लर्न द कल्चर, दे आर टॉट द कल्चर। इसे अभी हमने डिफाइन किया सोशलाइजेशन, इसे कहते हैं सोशलाइज करवाना। आप लोग जब आए थे पैक में, जब आपने ज्वाइन किया था ऑनलाइन क्लासेस को, तो आपकी ओरिएंटेशन हुई थी, आपको याद होगा। उस ओरिएंटेशन में तलहा और अरूज ने आपके साथ डिस्कशन की होगी, वालेकुम अस्सलाम नवीद मियां, क्या हाल है आपका। तो उस ओरिएंटेशन में जी एम्बेड, एम्बेड का मतलब होता है घुसा होना, उसके अंदर उसकी रूट्स मजबूत होना, मतलब जैसे हम सब मुसलमान हैं माशाल्लाह, इस वक्त जितने लोग यहाँ बैठे हैं आई बिलीव ऑल ऑफ अस आर मुस्लिम लेट्स से। ठीक है, तो हम में से जो जो लोग मुसलमान हैं इस वक्त, वो लोग जो हैं हम वी बिलीव इन वननेस ऑफ अल्लाह। ठीक है, नो 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 नॉट एट ऑल, नहीं बेटा। हाँ, ये कह सकते हैं कि फॉर्मल स्ट्रक्चर से कल्चर स्ट्रांग होता है। अभी आ गए हैं, अभी इस पे आते हैं। ये नहीं कहते कि कल्चर इज अ फॉर्मल स्ट्रक्चर, नो नॉट एट ऑल। फॉर्मल स्ट्रक्चर तो एक ढांचा है जो कि कम्युनिकेशन चैनल्स को डिफाइन करता है, हायरार्की ऑफ अथॉरिटी को डिफाइन करता है, चेन ऑफ कमांड को डिफाइन करता है, डिसीजन मेकिंग लाइंस को डिफाइन करता है। ये बातें तो हम पढ़ चुके आ चुके हैं थर्ड चैप्टर में। कल्चर इज समथिंग ब्रॉड, कल्चर इज समथिंग बिगर। ठीक है, ओके। हम मैं आप सॉरी मैं जवाब दे रहा था फहीम की बात का, हम बात कर रहे थे एम्बेडिंग का। ओके, लाइक वी ऑल आर मुस्लिम्स, ठीक है, इफ नॉट ऑल लेट्स से मेजोरिटी ऑफ हेयर जो भी, या अगर फॉर एग्जांपल किसी अदर रिलीजन के लोग भी यहाँ मौजूद हैं, अपने अपने रिलीजन के अंदर, अपने अपने रिलीजियस बिलीफ के अंदर हम डीपली एम्बेड होते हैं अपने बिलीफ सिस्टम में। हम उस बिलीफ सिस्टम को चेंज नहीं करना चाह रहे होते हैं। एम्बेड का मतलब होता है इतना डीप होना किसी चीज़ का कि उसको आप चैलेंज करने को तैयार नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अ मुस्लिम बिलीव इन वननेस ऑफ अल्लाह, वो इस बिलीफ को चैलेंज करने को तैयार नहीं है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल इफ समवन इज क्रिश्चियन, तो ही हैज अ स्ट्रॉन्ग बिलीव के वन, ही हैज स्ट्रॉन्ग इमोशनल अटैचमेंट के द क्राइस्ट वॉज क्रूसीफाइड। ठीक है, क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया गया था। इसी तरह जूस के अपने बिलीफ हैं, हिंदुओं के अपने बिलीफ हैं। ये बिलीफ्स जो हैं ये डीपली एम्बेड होते हैं। इसी तरह एक इदारे के भी कुछ बिलीफ्स होते हैं, वो उस इदारे के अंदर डीपली एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, लॉन्ग लाइंड, लाइंड से क्या हो रहा। हाँ, मतलब कॉग्निटिवली, मतलब आप उसे कुछ देखें, बिलीफ, बिलीफ क्या होता है, समथिंग विच यू डोंट वांट टू क्वेश्चन। बिलीफ किसे कहते हैं, अकीदा किसे कहते हैं, जिसे आप सवाल ना करें, स्ट्रांगली रूटेड। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, देखो ना,
हमारा बिलीफ है कि अल्लाह एक है, लेट्स से बीइंग मुस्लिम हमारा ये बिलीफ है कि अल्लाह वहदानियत पे हम बिलीव करते हैं ना, अल्लाह ताला की। आर वी इन अ पोजीशन टू चैलेंज दिस बिलीफ? क्या हम इस बिलीफ को क्वेश्चन करते हैं? आप अगर थोड़ा सा लॉजिकली सोचने की कोशिश करें तो आपको गॉड फॉरबिड माइट भी लगेगा कि ये जो वननेस ऑफ अल्लाह का जो कॉन्सेप्ट है, इट कैन बी क्वेश्चन्ड, गॉड फॉरबिड, ठीक है। लेकिन हम नहीं करते ना, हम नहीं करना चाहते, वी विल नेवर डू दैट, क्योंकि ये बिलीफ हमारा बहुत डीपली एम्बेडेड है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल वॉलमार्ट का बिलीफ है कि कस्टमर या एम्प्लॉय सबसे इंपॉर्टेंट एंटिटी है मेरे इदारे, एंड दैट इज डीपली एम्बेडेड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एंड दे विल नेवर क्वेश्चन दैट। दे विल नेवर से कि हम एम्प्लॉय को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं भाई, वाई नॉट कस्टमर? या एक इदारा जिसमें कस्टमर बहुत इंपॉर्टेंट है, दे विल नेवर चैलेंज देयर बिलीफ कि हम एम्प्लॉय को इंपॉर्टेंस क्यों नहीं देते भाई, कस्टमर को ही हम क्यों सर पर बिठा के रखते हैं। जब आप कल्चर की बात करते हैं तो आप शेयर्ड बिलीफ की बात करते हैं, आप शेयर्ड बिलीफ की बात करते हैं तो आप डीप रूट्स की बात करते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ? ओके, एक और क्वेश्चन आया था, एक मिनट, लेट मी जस्ट कवर दिस। हाँ नवीद, एग्जैक्टली, नहीं साइकोलॉजिकल नहीं, कॉग्निटिवली। कॉग्निटिवली से इससे मुराद ये है कि दिमाग के अंदर, इन योर ब्रेन, ठीक है। आप जहां पे आप किसी चीज को क्वेश्चन करना बंद कर दें, समझ लें वो आपका बिलीफ बन गया। जब तक आप एक चीज को क्वेश्चन करते रहेंगे वो आपका बिलीफ नहीं बनेगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक। सो इसके बरक्स अगर देखा जाए तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, दैट इज नो लार्जर देन इंडिविजुअल हु इंटरैक्ट सोशली एट द वर्क प्लेस। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ उन लोगों के कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करती है जो कि वर्क प्लेस पे आते हैं, और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है, चेंज हो जाता है एज पीपल लीव और ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन। कोई एक ग्रुप था, उन्होंने आपस में अच्छे टाइज बना लिए, सोशल इंटरेक्ट किया, फिर जब वो लोग छोड़ गए ऑर्गेनाइजेशन को तो ग्रुप टूट गया, फिर कोई नया ग्रुप बनेगा, फिर कोई नई कम्युनिकेशन पैदा हो जाएगी। तो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर जो होता है दैट इज वीक, कल्चर इज वेरी स्ट्रॉन्ग। एडगर स्काइन बड़ा मशहूर राइटर है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का। एडगर स्काइन बताता है कल्चर कितना इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंस क्या है कल्चर। लाइक यू नीड नॉट टू मेमोराइज दिस हेडिंग, ये हेडिंग 1.2 सिर्फ समझने के लिए, कोई याद नहीं करना। कल्चर की सिग्निफिकेंस सिर्फ ये है, जो ऊपर एक कमेंट था पीटर एंड वाटरमैन का, हियर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ कल्चर। पीटर एंड वाटरमैन ने कहा कि मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर द वन हैविंग स्ट्रॉन्ग कल्चरल एटीट्यूड एंड बिलीव्स। कामयाब इदारों के कल्चर बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। इफ़ यू वॉन्ट टू बिल्ड अ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन, यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो इदारा है वो बड़ा कामयाब है, उसका कल्चर बड़ा स्ट्रॉन्ग है। और यही बात एडगर स्काइन ने भी की थी। एडगर स्काइन ने कहा था, ये इसकी एक किताब से कुछ एक्सर्प्ट्स लिए गए हैं। एक्सर्प्ट्स कहते हैं अखज करने को, एक्सर्प्ट का मतलब होता है समथिंग दैट इज, इसे माखूज कहते हैं। तो ये इसकी जो बुक है उससे ये कुछ चीज़ें अखज़ की गई हैं। एडगर स्काइन लिखते हैं अपनी किताब में कि कल्चर का कॉन्सेप्ट जो दैट इज हाईली मिसअंडरस्टूड इन ऑर्गेनाइजेशन, एंड इट इज़ ट्रीटेड लाइक समथिंग वेरी सुपरफिशियल। सुपरफिशियल किसी ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसकी रियलिटी को क्वेश्चन किया जा सके, जैसे घोस्ट आर अ सुपरफिशियल फिनोमेना, लेट्स से फॉर सम पीपल, ठीक है। घोस्ट कहते हैं जी सुपरफिशियल होती हैं, तो सुपरफिशियल से मुराद ये है समथिंग जिसकी जो एग्जिस्टेंस है या जो रियलिटी है वो चैलेंज्ड हो। तो एडगर स्काइन कहता है अभी भी इदारों में लोग बिलीव करते हैं कि कल्चर सुपरफिशियल है, हालांकि वो कहता है कल्चर इज़ वेरी डीप फिनोमेना। अगर मैनेजर्स चाहते हैं सीरियसली कि वो एक इदारे में कामयाबी लेके आए, कल्चर में चेंज लेके आए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द कल्चर इज एंड हाउ इट रियली वर्क्स। करंट कल्चर क्या है इदारे का और वो कैसे काम करता है। एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कल्चर ऑफ वर्क ग्रुप इज इसेंशियल टू लीडर्स दैट दे लीड। द मैनेजर नीड टू अंडरस्टैंड द कल्चर ऑफ द वर्क ग्रुप सो दैट दे कैन ब्रिंग पॉजिटिव एटीट्यूड टू वर्क। तो ऑर्गेनाइजेशन में पॉजिटिविटी लाने के लिए कल्चरल एटीट्यूड्स को बिल्ड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एडगर स्काइन लिखता है कि एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन को अगर आपने बिल्ड करना है तो आपको डिफरेंट सब कल्चर को मैश करना पड़ेगा आपस में। लेकिन एक इदारे में 100 लोग काम कर रहे हैं, 100 लोग काम कर रहे हैं, हर बंदा एक डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहा है, एक डिफरेंट ब्रॉटअप से आ रहा है, एक डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक क्लास से आ रहा है। इस वक्त 16-17 लोग मेरे सामने मौजूद हैं, आप में से हर कोई एक डिफरेंट क्लास से बिलोंग करता है। क्लास से मुराद है डिफरेंट सोसाइटी से बिलोंग करता है, डिफरेंट ब्रॉटअप है आपका,
किसी का ब्रॉटअप बड़ा कंजर्वेटिव होगा आप में से, किसी का ब्रॉटअप बड़ा लिबरल होगा आप में से, सी, बट वंस यू आर कलेक्टिव एट अ सिंगल प्लेट, तो फिर आप सब के जो सब कल्चर्स हैं उनको मैशअप करना इम्पॉर्टेंट है, और ये काम करता है लीडर, ये काम करती है टॉप मैनेजमेंट, टू इवॉल्व कॉमन गोल्स, कॉमन लैंग्वेज एंड कॉमन प्रोसीजर्स फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड वे ऑफ वर्किंग. तो एडगर स्काइन वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने कॉर्पोरेट कल्चर का वर्ड यूज़ किया था. इसने कहा था कि कॉर्पोरेट कल्चर जो होता है, एग्जैक्टली जैसे आर्मी की मिसाल है, आर्मी का बड़ा स्ट्रॉन्ग कल्चर होता है, परफेक्ट, वेरी गुड एग्जाम्पल. आर्मी हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कल्चर, वहाँ से मुख्तलिफ बैकग्राउंड से लोग आते हैं, डिफरेंट ब्रॉटअप के, पर उनको तीर की तरह वो सीधा बना देते हैं, उनको बंदे का पुत्र बना देते हैं, वो उन्हें ऐसा वो कल्चर, स्ट्रॉन्ग कल्चर देते हैं. तो ये डिफरेंट, और ये लीडर का काम होता है जी. तो एडगर स्काइन ने कॉर्पोरेट कल्चर को यूज़ किया था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. ही इंट्रोड्यूस दिस टर्म के कॉर्पोरेट कल्चर क्या होता है, कैसे यूज़ किया जाता है, पर्पज़ क्या होता है, ठीक है. सो अभी तक हमने डिफाइन किया कल्चर को, सो फार वी डिफाइंड कल्चर एंड डिस्कस डिफरेंस बिटवीन इनफॉर्मल स्ट्रक्चर एंड कल्चर. हेडिंग 1.2 जो है सिर्फ रीडिंग के लिए है. हाँ, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. फैक्टर्स दैट शेप कल्चर, कल्चर आता कहाँ से, फ्रॉम वेयर डज द कल्चर कम. कल्चर को शेप करने वाले चार फैक्टर्स हैं. सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है लीडरशिप. कल्चर आता है एक इदारे के ओनर से, फाउंडर से. किसी इदारे की जो कल्चर की बुनियाद रखी जाती है उसका फाउंडर रखता है. जैसे मैंने वॉलमार्ट की एग्जांपल दी, लीडर्स डिफाइन दैट व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट वुड बी द गोल्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो लीडर डिफाइन करता है कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू क्या है. फॉर एग्जांपल वॉलमार्ट में सैम वॉल्टन ने डिफाइन किया कि हमारे लिए एम्प्लॉय सबसे इंपॉर्टेंट है. लेट्स सपोज कोई और इदारा डिफाइन करता है कि नहीं, हमारे लिए कस्टमर सबसे इंपॉर्टेंट है. तो आपके जो लीडर्स होते हैं ये डिटरमिन करते हैं दैट हु वॉट आर योर वैल्यूज एंड हाउ दैट वैल्यू कैन बी प्रोमोटेड. ठीक है, वैल्यूज जो हैं वो क्या हैं और कैसे उन्हें प्रमोट करना. दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कल्चर को डिफाइन करता है वो आपका स्ट्रक्चर होता है. एंड हेयर कम्स द क्वेश्चन बाय फौजिया. स्ट्रक्चर में और कल्चर में फ़र्क होता है. स्ट्रक्चर डिफाइन करता है कि कल्चर कितना स्ट्रांग होगा. हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स को पढ़ा ना, हमने एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर की बात की थी थर्ड चैप्टर में. एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर एक छोटे इदारे को कहते हैं, कोई हायरार्की नहीं है, कोई चेन ऑफ कमांड नहीं है. तो एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर का कल्चर बड़ा वीक होगा. जूनियर आपका इदारा ग्रो करता है साइज में और फॉर्मल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करता है, उसका कल्चर जो है वो उतना स्ट्रांग हो जाता है. तो टू सम एक्सटेंट कल्चर इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय योर साइज एंड योर स्ट्रक्चर. ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो होता है वहाँ का जो कल्चर है वो स्ट्रांगेस्ट होता है, आसानी से चेंज नहीं होता. इसके बरक्स जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका कल्चर बड़ा फ्लेक्सिबल होता है, इजीली चेंज हो सकता है. तो ब्यूरोक्रेसीज का जो कल्चर होता है दैट इज हाईली स्ट्रांग, दैट इज वेरी स्ट्रांग. ठीक है, तीसरा फैक्टर जो कल्चर को शेप करता है वो आपकी एनवायरनमेंट है. हियर कम्स द क्वेश्चन बाय अनीसा. एनवायरनमेंट भी कल्चर को शेप करती है. कल्चर डिटरमिन करता है कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे या रिस्पॉन्ड करेंगे एनवायरनमेंटल चेंजेस को. अगर आपका कल्चर फ्लेक्सिबल है तो आप एनवायरनमेंट को जल्दी रिएक्ट करेंगे, और अगर आपका कल्चर रिजिड है तो आप एनवायरनमेंट को जल्दी रिएक्ट नहीं करेंगे. ठीक है, तो कल्चर जो है वो डिफाइन करता है कि हाउ वुड यू रिएक्ट टू द एनवायरनमेंट, व्हाट इज गोइंग टू बी योर रिएक्शन टू योर एनवायरनमेंट. चौथा फैक्टर जो कल्चर को डिटरमिन करता है वो इवेंट्स होते हैं. इवेंट्स जो होते हैं दे आर द फैक्टर्स, दे आर द कंपोनेंट्स जो के हैपनिंग्स होती हैं. फॉर एग्जांपल अक्सर इदारों में एम्प्लॉयज़ की बर्थडे सेलिब्रेट की जाती है, नाउ दैट्स एन इवेंट. ठीक है, या अक्सर इदारों के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल एक दफ़ा एक कस्टमर आया किसी बैंक में और उसने आके बड़ा उधम मचाया, तो उस दिन से फिर बैंक ने एक कल्चर पैदा कर लिया, कल्चर बना लिया कि हमने कस्टमर क्वेरीज को कैसे रिस्पॉन्ड करना. तो कल्चर डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ मैनी इवेंट्स. बहुत सारे इवेंट्स हो रहे होते हैं, हैपनिंग हो रही होती हैं आपके सराउंडिंग में इंटरनली, उससे कल्चर बिल्ड होता है. एम्प्लॉयज़ बर्थडे सेलिब्रेट करना ये इवेंट है. कस्टमर की क्वेरीज को टैकल करने का एक सिस्टम डिवाइस करना अपने कल्चर में, ये भी एक इवेंट है, ये भी एक इवेंट से पैदा हुआ. ठीक है, तो कल्चर जो होता है ये डिटरमिन करता है कि आपका जो ओवरऑल सिस्टम है वो किस तरह से डेवलप हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ द हैपनिंग अराउंड.
It's a very important question, paper point of view से short question बड़ा important है. The factors that shape the culture, चार factors हैं, leadership, formal size and structure, environment and events. Cultural web जो है, ये अभी हम discuss करेंगे models के साथ. चार models हैं culture के हम discuss करने. इसमें पहला मॉडल कल्चरल वेब है, दूसरा मॉडल एडगर स्काइन का है, तीसरा चार्ल्स हैंडी का है, चौथा हॉफस्टीट का है. सो वील होल्ड दिस मॉडल ऑफ कल्चरल वेब. लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट डिसफंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर. और इसी टॉपिक के साथ साथ फिर हम जोड़ेंगे, पिछले चैप्टर में हमने चेंज और कल्चर का एक टॉपिक स्किप किया था, तो वी विल कन्वर्ज इट टूगेदर, वी विल ब्रिंग इट टूगेदर. कल्चर इज गुड, कल्चर इज समथिंग वेरी पॉजिटिव, होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. इनफैक्ट एक्सीलेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर द वन जिनका कल्चर स्ट्रॉन्ग होता है. बट स्ट्रॉन्ग कल्चर नॉट नेसेसरली मीन्स के कल्चर आपका रिजिड भी होगा, चेंज नहीं होने वाला होगा. ठीक है, तो कल्चर को आपने फिर क्या करना होता है, फ्लेक्सीबल रखना होता है. ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं उन्होंने कल्चर को फ्लेक्सीबल रखना होता है ताकि वो कल्चर ईजिली चेंज को एक्सेप्ट करे. हालांकि ये बड़ा मुश्किल काम होता है. डिसफंक्शन का मतलब होता है नाकारा, डिसफंक्शनल का मतलब होता है कल्चर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे कंपोनेंट्स को नाकारा बना देता है. एग्जिस्टेंस ऑफ वेल डिफाइंड एंड रॉबस्ट, रॉबस्ट से क्या मतलब है, बड़ा क्लियरली नजर आने वाला कल्चर जो है ये डिसफंक्शनल भी हो सकता है. कल्चर ये सवाल आ चुका है पेपर में, डिसफंक्शनल एस्पेक्ट पे क्वेश्चन पेपर में आ चुका है. कल्चर के तीन डिसफंक्शनल एरियाज होते हैं, कल्चर बैरियर टू चेंज होता है, कल्चर बैरियर टू डाइवर्सिटी होता है, और कल्चर बैरियर टू एक्विजिशन एंड मर्जर्स होता है. लेट्स फर्स्ट गो थ्रू देम वन बाय वन. हाउ डू कल्चर इज अ बैरियर टू चेंज. कल्चर जब मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है, तो वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करता. फॉर एग्जाम्पल, एक हाई परफॉर्मिंग कॉरपोरेट फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है एनर्जी. लोग नर्ड्स की तरह काम करते हैं, अन्य वाह काम करते हैं, दे जस्ट वर्क लाइक मैड पीपल, 15-15 घंटे काम करते हैं. और फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन ने लोगों के मॉनेटरी रिवॉर्ड्स को भी उनकी परफॉर्मेंस के साथ एसोसिएट कर दिया हुआ है. जस्ट इमेजिन, ये कल्चर है इदारे का, दिस इज कल्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे लोग बड़ा यू नो दिलो जान से काम करते हैं, हाई सैलरीज लेते हैं, हाई रिवॉर्ड्स लेते हैं. अब ऐसा इदारा, अगर मैनेजमेंट ऐसे इदारे की चाहे कि वो वर्क लाइफ बैलेंस इनिशिएटिव ले, वो लोगों से कहें कि नहीं जी 8 घंटे काम करें और फिर घर जाके आराम करें, फैमिली को टाइम दें, वेकेशन एंजॉय करें, सो दोज पीपल विल ऑटोमेटिकली रेजिस्ट दिस कल्चर, दे विल नेवर चेंज द कल्चर. रेजिस्टेंस आएगी मैनेजमेंट की तरफ से टू इंट्रोड्यूस वर्क लाइफ बैलेंस इनिशिएटिव इंक्लूडिंग रिलैक्सेशन, फैमिली एंड लेजर टाइम in a high performing corporate finance organization, in a high performing corporate finance organization. इसी तरह एक और बड़ी मजे की एग्जाम्पल है ईस्टमैन कोडेक की. ईस्टमैन कोडेक, कोडेक का नाम पता नहीं आपने सुना कि नहीं सुना. कोडेक फोटोग्राफी इक्विपमेंट में बड़ी मशहूर कंपनी होती थी. याद है इनके कैमराज होते थे जिसमें वो फिल्म डला करती थी, हम कैमरा रोल डालते थे और फिर वो 36 पिक्चर्स का रोल होता था, फिर हम क्लिक करते थे तो फिर रोल्स हम एग्जैक्टली ओल्ड डेज बिल्कुल. तो फिर दौर आया डिजिटल फोटोग्राफी का, फिर दौर आया DSLR टेक्नोलॉजी का. तो कोडेक जो है देवर अनएबल टू अलाइन और देवर अनएबल टू रिस्पॉन्ड टू द मार्केट शिफ्ट इन डिमांड फ्रॉम ट्रेडिशनल फोटोग्राफी इक्विपमेंट टू डिजिटल बेस्ड प्रोडक्ट्स. तो आजकल हम जानते हैं नाइकॉन को, अब हम जानते हैं कैनन को, अब हम जानते हैं सोनी को, यू सी, नाउ वी डोंट रिमेंबर ईस्टमैन कोडेक. द सेम एग्जांपल इज अप्लाइड ऑन नोकिया, यही एग्जांपल नोकिया पे भी अप्लाई होता है. नोकिया भी अपने आप को कोप नहीं कर सका स्मार्टफोन मार्केट के अंदर, अपने आप को डेवलप नहीं कर सका और बड़ी जल्दी फेल हो गया, दे सिंपली फेल्ड. So these are some of the reasons, these are some of the ways in which organizations are unable to cope with the change. और इसी पॉइंट को आगे फिर डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे वापस आ जाएं पेज नंबर 110 के ऊपर, where we left a particular topic. ये
कल्चर एंड चेंज, ये तीन पॉइंट ही हमने कहा था, पेपर में भी आ चुके हैं। सम एंटिटीज आर मोर कैपेबल ऑफ अडेप्टिंग टू चेंज देन अदर्स, और ये उनके कल्चर में होती है चीज। जस्ट लुक एट द पैथेटिक स्टेटमेंट इन योर बुक, द रीजंस लिस्टेड अबव एंड अर्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ कल्चरल वेब फॉर गॉड सेक, जिस किताब से इस जुमले को कॉपी पेस्ट किया गया है वहां पे कल्चरल वेब पहले एक्सप्लेन हुआ होगा। जस्ट इमेजिन, दिस इज सो पैथेटिक। इस किताब में इतने टाइपो एरर्स हैं, इस किताब में इतने इस तरह की बेहुदा एरर्स हैं कि अफसोस होता है कि ये किताब इमाइल वुल्फ ने छापी है, वन ऑफ द बिगेस्ट पब्लिशिंग हाउस इन द वर्ल्ड। इमाइल वुल्फ ऐसी किताब छापे तो अफसोस होता है। एनी हाउ, ये अभी हमने पढ़ना है वैसे, तो जस्ट इग्नोर दिस लाइन, इस लाइन को इग्नोर करें, इसका कोई पर्पज नहीं। बट द पॉइंट इज कि सम एंटिटीज आर बेटर एट अडेप्टिंग टू चेंज देन अदर्स, कुछ एंटिटीज में अडेप्टेशन बेहतर होती है। ये नाम भी गलत है, मॉस्केंटर, मॉस्केंटर का मॉडल ही है ये, मरते दम तक ता क्यामत उसी का रहेगा। मॉस्केंटर ने कहा था कि देर आर थ्री फीचर्स ऑफ चेंज अडेप्ट ऑर्गेनाइजेशंस। मॉस्केंटर के मुताबिक चेंज अडेप्ट ऑर्गेनाइजेशंस के तीन फीचर्स होते हैं, और ये तीनों फीचर्स के कल्चर का हिस्सा होते हैं। ऑल ऑफ दीज थ्री फीचर्स आर पार्ट ऑफ देयर कल्चर, ठीक है। मॉस्केंटर के मुताबिक देर आर थ्री फीचर्स जो कि उस इदारे के कल्चर में पाए जाते हैं, और ये उस इदारे के चेंज अडेप्टेबिलिटी को डिफाइन करते हैं, ठीक है। द फर्स्ट फीचर शी टॉक्स अबाउट वॉज के चेंज अडेप्ट ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो इनोवेशन को एक्सेप्ट करती हैं, दे ऑलवेज इमेजिन टू इनोवेट। उनके जो लीडर्स होते हैं उनमें इनोवेशन और पॉजिटिव आइडियाज को सीख करने की एबिलिटी बहुत हाई होती है। इसी दे आर हाईली विलिंग टू एक्सेप्ट द चेंज। द पीपल इन दोज ऑर्गेनाइजेशन आर हाईली प्रोफेशनल, प्रोफेशनली ट्रेंड होते हैं, चेंज प्रोसेस को समझते हैं और चेंज को लाने की कोशिश करते हैं, सपोर्ट करते हैं चेंज को। सो दीज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैव अ प्रोफेशनल एटीट्यूड, दीज टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैव प्रोफेशनल एटीट्यूड्स। और तीसरा फीचर होता है ओपननेस टू कोलैबोरेट, ऐसे इदारे कोलैबोरेट करते हैं, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं। ओपननेस टू कोलैबोरेट से क्या मुराद है? सप्लायर के साथ कोलैबोरेट करना, कस्टमर्स के साथ कोलैबोरेट करना, और आप अपने जॉइंट वेंचर पार्टनर्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं ताकि आप आइडियाज लेके आए, आइडियाज के थ्रू आप ऑपरेट करें। मॉस्केंटर ने कहा था कि वो एंटिटीज जो चेंज को नेचुरल समझती हैं, डिजायरेबल समझती हैं और उसे वेलकम करती हैं, दे ऑलवेज टेक चेंज एज एन अपॉर्चुनिटी एज कम्पेयर टू दोज ऑर्गेनाइजेशंस जो उसे थ्रेट समझती हैं। चेंज मस्ट बी टेकन एज एन अपॉर्चुनिटी, चेंज मस्ट बी टेकन एज एन अपॉर्चुनिटी जिसकी बेस के ऊपर आप डिस्कस करते हैं कि एंटिटीज के अंदर हमने किस तरह से रिएक्ट करना है चेंज को। तो मॉस्केंटर के मुताबिक वो एंटिटीज जो फर्स्ट होती हैं इनोवेट करने के लिए, दो एंटिटीज जो अडेप्ट करती हैं नई टेक्नोलॉजी को, वो सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज क्रिएट कर सकती हैं बाय क्रिएटिंग एक्स्ट्रा वैल्यू फॉर द कस्टमर। नोकिया ने इनोवेट नहीं किया, सैमसंग और आईफोन ने रिस्क लिया इनोवेशन का, सो दे बिकेम द फर्स्ट कंपनीज हु इनोवेटेड इन स्मार्टफोन्स, और अभी तक वो मार्केट में कामयाब है, ठीक है ना। क्यू मोबाइल, हुआवे, बाद में बहुत सारी कंपनीज आई स्मार्टफोन्स के अंदर और वो नहीं कम्पीट कर सकें सैमसंग को या आईफोन को, क्योंकि फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो है वो ऑलरेडी उनके पास आ चुका था। सो दिस इज वाई कल्चर एंड चेंज आर हाईली कोरिलेटेड, ठीक है। तो पहला जो बैरियर होता है वो कल्चर के अंदर चेंज का होता है, सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो कल्चर है वो चेंज कंड्यूसिव है, ना कि चेंज रिपेलेंट है। चेंज कंड्यूसिव कल्चर जो होता है इट इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। दूसरा बैरियर है डाइवर्सिटी का, डाइवर्स ऑर्गेनाइजेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज, डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ जेंडर, डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ यू नो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड,
आजकल इदारे डाइवर्स वर्क फोर्स को इंकरेज करते हैं। आजकल इदारे चाहते हैं कि उनके एम्प्लॉयज डाइवर्स बैकग्राउंड से आएं, लेकिन जब आप डाइवर्सिटी को इंकरेज करते हैं तो फिर कल्चर वीक हो जाता है। एक ग्रुप जिसमें सारे मेल्स काम करते हैं, दैट ग्रुप विल बी हैविंग अ स्ट्रॉन्गर कल्चर देन अ ग्रुप जिसमें मेल्स और फीमेल्स मिलकर काम करती हैं। तो ऐसा ग्रुप जिसमें सारे मेल्स हैं उसके अंदर कल्चरल स्ट्रेंथ स्ट्रांग होगी। सो इदारा चाहता है कि वो डाइवर्सिटी को इनकॉर्पोरेट करे, लेकिन साथ ही फिर डाइवर्सिटी को आपके एग्जिस्टिंग कल्चर जो है वो रेजिस्ट भी करता है। एग्जिस्टिंग कल्चर जो है वो, हाँ एग्जैक्टली, फिर सब ग्रुप बन जाते हैं। बिल्कुल, जब ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है फिर सब ग्रुप ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि लोग फिर अपनी कल्चरल एफिलिएशन ढूंढ लेते हैं। सो डाइवर्सिटी थीम जो है ये क्रिएट करता है एक पैराडॉक्स। पैराडॉक्स कहते हैं एक कन्फ्यूजन को। पैराडॉक्स मीन्स अ कन्फ्यूजिंग स्टेट। तो डाइवर्सिटी क्रिएट्स अ पैराडॉक्स वेयर बाय मैनेजमेंट चाहती है कि एम्प्लॉयज एग्जिस्टिंग कल्चर को फॉलो करें, कन्फॉर्म कहते हैं फॉलो करने को। ऑन द अदर हैंड साइमल्टेनियसली दे ऑल्सो वॉन्ट देम टू बी डाइवर्स इन सम वे। तो भाई अगर एम्प्लॉय डाइवर्स होंगे तो फिर वो एग्जिस्टिंग नॉर्म्स को तो फॉलो नहीं करेंगे, वो अपनी नॉर्म्स डिफाइन करेंगे, और अगर उन्होंने एग्जिस्टिंग नॉर्म्स को ही फॉलो करना है तो वो डाइवर्स कैसे हो गए। तो डाइवर्सिटी थीम जो है ये फिर एक कन्फ्यूजन की स्टेट में ले जाता है इदारे को। इसलिए जितना स्ट्रॉन्ग कल्चर होता है वो डाइवर्सिटी को रिपेल करता है, जितना स्ट्रॉन्ग कल्चर होता है वो डाइवर्सिटी को रिपेल करता है। तो ऑर्गेनाइजेशंस हायर वेरी एंड डाइवर्स इंडिविजुअल्स बिकॉज ऑफ देयर अल्टरनेटिव अप्रोच एंड फ्रेश आइडियाज। इदारे डाइवर्स वर्कफोर्स को एम्प्लॉय करते हैं फ्रेश आइडियाज को लाने के लिए। हाउएवर इन रियलिटी दीज डाइवर्स स्ट्रेंथ्स एंड बिहेवियर्स बाय वेरी नेचर आर लाइकली टू वीकन द एग्जिस्टिंग कल्चर। ये जो डाइवर्स आइडियाज हैं ये आपके एग्जिस्टिंग कल्चर की डेफिनेशन को फिर वीक कर देंगे, दे विल वीकन द एग्जिस्टिंग डेफिनेशन ऑफ द कल्चर। ठीक है, और तीसरा बैरियर होता है हमारा मर्जर एक्विजिशन का। कल्चर इज अ स्ट्रॉन्ग बैरियर टुवर्ड्स मर्जर एंड एक्विजिशंस। कल्चर हमेशा बैरियर क्रिएट करता है मर्जर और एक्विजिशन की तरफ। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के अंदर जब कोई भी मर्जर या एक्विजिशन डिसीजन होता है तो ऑपरेशनल फिट तो हम अचीव कर ही लेते हैं। ऑपरेशनल फिट से क्या मुराद है? ऑपरेशनल डिसीजंस जैसे डाउनसाइजिंग कितनी करनी है, एसेट्स कैसे मैनेज करने हैं, डीलेयरिंग कैसे करनी है, ऑपरेशनल फिट तो आप अचीव कर ही लेते हैं व्हेन देयर इज अ मर्जर। चैलेंज आता है जब कल्चरल प्रैक्टिसेस अलाइंड ना हो। जैसे अभी जैज और मोबिलिंग का, जैज और वारिद का मर्जर हुआ है, तो ऑपरेशनल फिट तो अचीव कर लिया, कॉल सेंटर ऑपरेशंस कन्वर्ज कर लिए, एसेट मैनेजमेंट कर ली, एवरीथिंग वाज हैंडल्ड। बट द चैलेंज वाज के वेदर जैज और वारिद का कल्चर मर्ज हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है ना, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कॉरपोरेट कंसोलिडेशन के अंदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आप कॉस्ट सेविंग तो कर जाते हैं, सिनर्जीज तो आप अचीव कर लेते हैं, बट द ग्रेटेस्ट फैक्टर इन सक्सेस और फेलियर टेंड टू बी वेदर द कल्चर्स आर मैच्ड और नॉट। किसी भी कॉरपोरेट फेलियर, स्पेशली मर्जर या एक्विजिशन फेलियर के अंदर कभी भी ऑपरेशनल फैक्टर्स उसका रीजन नहीं होते। रिमेंबर दैट ऑपरेशनल फैक्टर्स तो आप अचीव कर ही लेते हैं, रीजंस ऑफ फेलियर प्राइमरली आर वेदर और नॉट यू वर एबल टू मर्ज द कल्चर। कल्चर्स मैच हुए कि नहीं हुए, अगर कल्चर्स मैच नहीं हुए तो फिर चैलेंज बढ़ जाएगा। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मैच द कल्चर्स रादर देन जस्ट फोकसिंग ऑन यू नो द फैक्टर्स जिसकी बेस पे आप डिटरमिन करते हैं कि ऑपरेशनल फिट कैसे अचीव करते हैं। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिसफंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर तीन है मेनली। द फर्स्ट वन इज क्रिएटिंग अ बैरियर टू चेंज, द सेकेंड वन इज क्रिएटिंग बैरियर टू डाइवर्सिटी, एंड द थर्ड वन इज क्रिएटिंग बैरियर टू मर्जर एक्विजिशन। और कल्चर इन तीनों की तरफ, स्ट्रॉन्ग कल्चर इन तीनों की तरफ बैरियर बन जाता है। तो अगर आप उसे फ्लेक्सिबल नहीं बनाएंगे तो दैट वुड क्रिएट फर्दर चैलेंज। अगर आप उसे एज अ स्ट्रेंथ लेके चलेंगे तो दैट वुड हेल्प यू टू एलोकेट अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज टू असाइन यू नो द गुड रिसोर्सेज टू द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, और उसके मुताबिक आप फिर कल्चर को भी बड़ा फ्लेक्सिबली डेवलप करते हैं। कल्चर के चार मॉडल्स हैं। पहला मॉडल है कल्चरल वेब, ये जॉनसन स्कोल्स एंड विटिंगटन का मॉडल है, JSW कहते हैं, जॉनसन एंड स्कोल्स का मॉडल है, दो दफ़ा आ चुका है पेपर में, वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल, टेस्टेड ट्वाइस। इसके बाद है एडगर स्काइन के लेवल्स ऑफ कल्चर। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी अटेम्प्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल ये है, क्योंकि अभी तक टेस्ट नहीं हुआ पेपर। एडगर स्काइन बड़ा मशहूर नाम है,
एडगर स्काइन जो है दैट डिटरमिंस दैट हाउ ऑर्गेनाइजेशन लर्न कल्चर एंड डेवलप कल्चर। एडगर स्काइन का मॉडल पेपर में नहीं आया, चार्ल्स हैंडी का मॉडल पेपर में दो दफ़ा आ चुका है, हॉफस्टीड का मॉडल भी पेपर में एक दफ़ा आ चुका है, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव ऑन कल्चर। हॉफस्टीड कहते हैं कि कंट्री का जो कल्चर है, जो नेशनल कल्चर है, वो कैसे आपके फैक्टर्स को डिटरमिन करता है। ठीक है, तो ये हॉफस्टीड का मॉडल, तो ये चार मॉडल हैं कल्चर के। इंशाल्लाह दो हम कल पढ़ेंगे, दो हम थर्सडे को पढ़ेंगे। थर्सडे इज गोइंग टू बी द कंक्लूसिव डे फॉर दिस चैप्टर। थर्सडे को इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे पास्ट पेपर क्वेश्चंस के साथ। फ्राइडे सैटरडे दो दिन हमने आईटी को देने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 11 चैप्टर, मैंने पेज नंबर आपको बता दिए हुए। एएफसी में जितना पोर्शन आपने कवर किया था आईटी का, ऑलमोस्ट उतना ही पोर्शन मैंने आपके मिड टर्म में ऐड किया है, ताकि आपको प्रिपेयर करने में दुश्वारी ज़्यादा ना हो। रिवीजन ही करनी है आपने, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो उसमें इनपुट डिवाइसेज हैं, आउटपुट डिवाइसेज हैं, स्टोरेज डिवाइसेज हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स हैं, उसमें नेटवर्क्स लैन और वैन का कॉन्सेप्ट है। तो दैट्स वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो आपका जो मिड टर्म है, ये आपके टोटल पेपर के कंटेंट का तकरीबन 55% कवर करेगा। ऑलमोस्ट 55% ऑफ योर एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी कवर्ड इन योर मिड टर्म एग्जामिनेशन। तो मिड टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिपेयर मिड टर्म। आप तैयारी शुरू कर दें, रिवीजन स्टार्ट कर दें। मैंने मिशाल से रिक्वेस्ट की है, इंशाल्लाह आई विल बी इनवाइटिंग हर टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, तो वो भी डिस्कस करेगी। अच्छा हाँ नवीद, यू आस्क द क्वेश्चन ऑन व्हाट्सएप टू, आई एम सॉरी मैं आपके व्हाट्सएप पे सवाल का जवाब नहीं दे सका यार। ये आप एक सेकंड रुके ना, आप अपने ऐप स्टोर पे या उधर जाए ना, अपने जो भी एंड्रॉयड में आपका स्टोर होता है, कौन सा स्टोर है एंड्रॉयड का? एप्पल में भी हैव ऐप स्टोर, मैं बताता हूँ आपको, जस्ट अ मोमेंट, एक मिनट दीजिएगा, मैं पहले ऐप निकाल लूँ। हाँ प्ले स्टोर, एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। मैं ज़रा ऐप निकाल लूँ पहले, फिर मैं बताता हूँ कैसे यूज़ कैसे करेंगे आप। ये एक ऐप है, वर्ड जनरेटर के नाम से, ऐसे आपको डाउनलोड करें और जस्ट गिव। मतलब आईफोन में भी है और उसमें सैमसंग में भी आ जाएगी, प्ले स्टोर में भी आ जाएगी। आईफोन में भी है और प्ले स्टोर में भी है। वर्ड जनरेटर के नाम से सर्च करें, आपको एक ऐप मिलेगी, इंस्पायर मी वर्ड जनरेटर। मैं इसका ना स्क्रीनशॉट ना शेयर करता हूँ आपके साथ, आई विल शेयर इट। ठीक है, मैं इसका ना स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ आपको, वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, इट विल बी हेल्पफुल। ठीक है, मैं इसको शेयर करता हूँ आपके साथ, लेट मी जस्ट डाउनलोड इट, देन आई विल शेयर इट। चले वही, मैं स्क्रीन शॉट्स में ना फिर इसका यूजेज भी बताता हूँ, फिर आपको यूज कैसे करेंगे। आई विल शेयर द यूजेज, ठीक, डोंट वरी। अगर किसी और ने डाउनलोड की है तो वो ग्रुप में डाल दीजिए, ग्रुप में ही ऑब्वियसली। अगर किसी और ने डाउनलोड की और यूज़ कर रहा है इस ऐप को, तो वो ग्रुप में डाल दे फिर। इफ समवन एल्स इज यूजिंग द ऐप, जस्ट प्लीज़ आप उसके स्क्रीन शॉट ज़रा ग्रुप में डाल दें, ताकि दूसरे भी उससे मुस्तफ़ीद हो जाएंगे। ठीक है, तो आई विल डू दैट। हाँ ये देखें, ये फहीम यूज़ कर रहा है, नहीं ये वाली नहीं है, दिस इज नॉट, नहीं नहीं ये वाली नहीं है फहीम, दिस इज नॉट। ये तो सिर्फ वर्ड्स जनरेट, रैंडमली वर्ड जनरेट करती है,
एक और है सर्च एंड अदर, आई विल डू दैट, मैं कर दूंगा, डोंट वरी। वेबसाइट कौन सी है बेटा नीसा? वेबसाइट भी जरा आप बता दें, वेबसाइट भी है कोई? वेबसाइट भी अपलोड कर दें ग्रुप के ऊपर, जिसने वेबसाइट से देखना है वो वेबसाइट से देख लें, जिसने ऐप निकालनी है ऐप निकाल लें। मतलब देर आर वेरियस वेज टू गेट द सेम थिंग डन, तो वेबसाइट भी शेयर कर दें, ठीक है? हाँ जरूर, प्लीज डू शेयर इट। लिंक शेयर कीजिएगा वेबसाइट का, ठीक है? चलिए फिर से कंटिन्यू करते हैं हम इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।